So hello everyone, welcome to the day 24 of the 30 days code process series. And again, as usual, I'm recording it for the second time. You can see maine just explained kya tha isko, but that's fine. Okay, we will start again with the explanation. Mic ka again issue ho gaya tha, but okay, take your time to read the problem. And this is a pretty easy problem. ADK comparison mein bahut easy hai, so it won't take much of a time. Read the problem once and I will start with the explanation. 1 2 3 4 5. आई होप आपने अभी रीड कर लिया होगा प्रॉब्लम को. मैं प्रॉब्लम को अब थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताता हूँ. प्रॉब्लम में बेसिकली क्या बोला है कि आपको कुछ रेंजेस क्वेरीज ओके लेट्स वी हैव टू राइट इट. ओके यू कैन सी यहाँ पे हमने ऑलरेडी किया हुआ है. बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला है, एक एरे दिया है एंड यू हैव बीन गिवन क्यू क्वेरीज. हर क्वेरी के लिए आपको एल की वैल्यू दी है और एक्स की वैल्यू दी है. आपको क्या करना है कि एल से ये फाइंड करना है, आपको क्या करना है, एल से आर फाइंड करना है एक रेंज जिसमें आपको सारी एल से आर की जो रेंज है उसमें सारी वैल्यूज का एंड लेना है, विच शुड गिव यू अ वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स. ओके सो दिस वाज द प्रॉब्लम. आपको एल की वैल्यू दी है, एक्स की वैल्यू दी है, आपको आर फाइंड करना है. और आर ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अगर बोल रहे हो कि आर फाइंड करना है तो एक काम करते हैं आर एल के इक्वल ही ले लेते हैं तो हम लोग को हमेशा मिल जाएगा. पर ऐसा नहीं, हमें आर मैक्सिमम फाइंड करना है, आर जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा फाइंड करना है. तो ये कंडीशन के साथ हम लोगों को क्या करना है, ऐसा रेंज फाइंड करना है जिसका एंड लेने पे एक्स से ग्रेटर देन इक्वल टू आता हो. अब मुझे एक बात बताओ कि ओके ऐसा फाइंड करना है तो ब्रूट फोर्स क्या होगा, एल से चालू करो और चेक करते जाओ जहां तक इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है वहां तक चलो, उसका ब्रेक कर जाओ, सिंपल. बट ऑब्वियसली उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी. तो क्या हम लोग इसमें सर्च कर रहे हैं एक इंडेक्स को, राइट? हम एक इंडेक्स को सर्च कर रहे हैं ना, कि वो इंडेक्स हम सर्च करें कि वो इंडेक्स कहाँ तक आता है. तो क्या अगर सर्चिंग है तो क्या हम लोग बाइनरी सर्च लगा सकते हैं? अब क्वेश्चन ये आएगा कि बाइनरी सर्च कैसे लगाना है. तो मैं अगर इफ यू आर फॉलोइंग द सीरीज फ्रॉम स्टार्टिंग, तो मैंने कुछ वीडियोस में बताया है कि वेन एवर यू फाइंड अ मोनोटोनस सर्च, मोनोटोनस चीजें मिलती हैं और आपको कुछ सर्च करना है तो यू शुड गो फॉर अ बाइनरी सर्च. अब ये मोनोटोनस कैसे है, यहाँ पे तो सारी मतलब एरे के एलिमेंट्स बढ़ कम रहे, बट एरे के एलिमेंट्स नहीं, आपको एंड निकालना है एक्चुअली. अब देखो 15 है, 15 का एंड कितना है 15, 15 और 14 का एंड कितना है पता नहीं, पर 15 से तो कम ही होगा, पर 15 से तो कम ही होगा. तो एंड कम हुआ ठीक है, 15 और 14 का एंड क्या है, कुछ तो है. पर 15 14 17 का एंड क्या है पता नहीं कितना है, बट 15 और 14 का एंड से तो कम ही होगा. एंड की एक प्रॉपर्टी होती है, व्हेनेवर यू डू द एंड ऑफ टू नंबर वो हमेशा लेस देन इक्वल टू ही आता है. एंड की वैल्यू कभी भी बड़ी नहीं होती है, एंड लेने पे कभी भी आपको बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी, या तो इक्वल ही मिल जाएगी अगर इक्वल है तो, वरना वो कम ही हो जाएगी, बट इट विल नेवर इंक्रीज. तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि मोनोटोनस है, कि एंड की वैल्यू हमेशा डिक्रीज 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 होती जाएगी, इसके लिए मोनोटोनस है. सो यू गेट द आइडिया. आपको क्या करना है, आपको हर मिड के लिए चेक करना है कि यार अब तक का जो रेंज है इसके लिए एंड की वैल्यू एक्स से बड़ी या इक्वल है तो राइट में जाओ, एल्स लेफ्ट में आओ, बेसिक बाइनरी सर्च ठीक है. नाउ यू वुड से अरे ये भी चेक करने के लिए कि इस रेंज का एंड एक्स से बड़ा या इक्वल है या नहीं, इसके लिए भी तो हमें ये लगाना पड़ेगा, मतलब वो सर्च पूरे एरे में ट्रेवल्स करना ही पड़ेगा. तो यह डाउट माइट बी राइट बट इट्स नॉट करेक्ट. क्यों ऐसा, इसको हम लोग समझते हैं. टेक योर टाइम एंड थिंक, ऐसा कोई मेथड है क्या जिससे आप ऑफ वन में एक रेंज का एंड निकाल सकते हो. 1 2 3 4 5 इफ यू हैव डन थिंकिंग तो हाँ, इसका आंसर है कि प्रीफिक्स सम. प्रीफिक्स सम से कैसे होता है, हम लोग मैंने अभी भी बिल्ड किया था बट ठीक है फिर से बिल्ड करते हैं. अभी इस एरे को ध्यान से देखो, 5 4 3 2 3 राइट, लेट्स रिप्रेजेंट इट इन अ बाइनरी नंबर. तो 1 0 0 0 0 एंड इट विल बी 1 0 1 1 1 एंड इट विल बी 0 1 0 1 ठीक है. ये हमने बिट्स का एरे बना लिया इनका. अब हम इसका प्रीफिक्स सम निकाल लेते हैं, तो प्रीफिक्स सम क्या हो जाएगा, 1 2 2 2 2 0 1 2 3 देन 1 1 देन 2 देन 2 एंड देन 3 राइट. अब मुझसे मान लो कोई पूछता है कि 4 से लेके 2 तक का एंड बताओ, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा वो देखो. मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2 पे, 2, 4 से पहले वाले पे वैल्यू कितनी है 1, मतलब इस रेंज में एक ही ऐसा नंबर था जहां पे ये बिट सेट थी. अगर सिर्फ एक ऐसा नंबर था तो मैं क्या बोल सकता, हमारे आंसर में वो अनसेट होगा, क्योंकि दो ऐसे नंबर थे जो इस बिट को बेसिकली अनसेट करने वाले. एंड में क्या होता है, अगर 50 बिट भी सेट है
पर अगर एक ऐसी बिट निकल के आ जाए जो अनसेट है, जो तो फिर उस पूरे आंसर में उस बिट को अनसेट कर देती है। यहाँ पे तीन नंबर थे राइट, जिसमें से सिर्फ एक कोई तो बिट सेट थी, दो तो ऐसे थे जो अनसेट थे, तो हमारे आंसर में भी वो क्या होगा, अनसेट होगा। ठीक है, नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे वैल्यू कितनी, टू, टू माइनस जीरो कितना होता है, जीरो। अगर दो ऐसे नंबर थे जिनमें बिट सेट है तो क्या यहाँ पे वन आएगा, नहीं, यहाँ पे स्टिल जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि दो ऐसे नंबर है जिसमें बिट सेट है, बट स्टिल एक नंबर तो ऐसा है जिसमें बिट अनसेट है। और जैसा मैंने कहा कि एंड के केस में क्या होता है कि अगर एक भी ऐसा नंबर निकल के आ जाए जिसमें अनसेट है, तो हमारे आंसर में भी क्या हो जाता है, वो अनसेट हो जाता है। नाउ लास्ट थर्ड, टू माइनस वन इज वन, तो मतलब एक ऐसा नंबर है जिसमें बिट सेट है, अगर सिर्फ एक ऐसा नंबर है जिसमें बिट सेट है, दो ऐसे नंबर है जिसमें बिट अनसेट है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नाउ यू कैन ट्राई कैलकुलेटिंग द एंड ऑफ 432, उसका आंसर जीरो ही आता है। थोड़ा अभी भी नहीं समझा तो लेट्स ट्राई कैलकुलेटिंग द एंड ऑफ 32। 2 - 2 इज जीरो, तो जीरो फिक्स कर दिया। 2 - 0 इज 2, ध्यान से देखो, 2 - 0 इज 2। अब मेरे पास दो नंबर है और कितने बिट सेट है, 2 - 0 इज 2, मतलब दो बिट सेट है और दो नंबर के, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस पोजीशन पे उन दोनों नंबर में बिट सेट है, तो आंसर में भी बिट सेट होगी, सिंस उन दोनों नंबर में बिट सेट है और उन्हीं दोनों का मैं एंड ले रहा हूँ, तो हमारे आंसर में भी वो बिट सेट होगी। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, 2 - 1 इज 1, तो कितने बिट सेट है, 1, तो हमारे आंसर में सेट नहीं होगी। आंसर में तब सेट होती है जब सारे नंबर ऑफ बिट सेट हो। अब देखो, 010 ये नंबर क्या है, ये कौन सा नंबर है, 010, क्या ये 2 नहीं है, क्या 010 मतलब 2 ही होता है, तो क्या 3 and 2 का एंड 2 आता है, करके देख लो, 3 and 2 का एंड कितना आता है, करके देख लो, 10 and 2 का एंड कितना आता है, इट्स 2। ये समझ में आया हमने कैसे कैलकुलेट किया, इट इज एट ई प्रॉब्लम, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ यू शुड नो अबाउट द प्रीफिक्स, हमें यार प्रीफिक्स वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑल दैट स्टफ। तो इस क्वेश्चन में हम कर क्या रहे, ध्यान से ढूंढो, हम बाइनरी सर्च लगाएंगे आर की वैल्यू को ढूंढने के लिए। बाइनरी सर्च लगाते टाइम हमें चेक क्या करना है कि एंड एक्स से बड़ा है या नहीं। अब एंड चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीफिक्स हम निकालना पड़ेगा, ये प्रीफिक्स एंड जो भी बोल सकते हो उसको, प्रीफिक्स एंड निकाल के हमें जो आंसर मिलेगा वो आंसर को हम चेक करेंगे, अगर वो एक्स से बड़ा है इक्वल है तो राइट में जाओ, वरना लेफ्ट में आओ, तो और फिर ऐसे करके हम आर की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे और उसको प्रिंट कर देंगे। तो या यही था प्रॉब्लम में, अब और कुछ तो है नहीं इस प्रॉब्लम में। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा होगा या फिर एनीथिंग, यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स, वी विल मूव टू अवर द सॉल्यूशन मे बी। स्टिल मुझे लगता है कि सब कुछ क्लियर ही है, बेसिकली रेंज में एंड फाइंड करना, वो हमने प्रीफिक्स एंड से देख लिया, ये चेक करने के लिए कि आर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, क्या लेनी है उसके लिए बाइनरी सर्च यूज करेंगे, एंड कुछ तो है नहीं आंसर, कोई और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, इट्स इजियर क्वेश्चन देन डी। इनफैक्ट इस पे सबमिशन भी आई गेस ज्यादा है डी से, लेट्स सी। हाँ इस पे 4,000 सबमिशन है जबकि डी पे सिर्फ 2,000, तो हाँ इट इज वेरी इजी देन डी वन, डी वाला क्वेश्चन। तो लेट्स उसका कोड देख लेते हैं, अगेन द कोड इज इन सी पी, यू कैन ट्राई द सेम इन जावा। सबसे पहले एरे इनपुट लिया और प्रीफिक्स एरे बनाया, प्रीफिक्स एरे कैसे बनाते, तो 32 n × 32 साइज का बनाया, हर नंबर के लिए चेक किया और उसमें +1 किया, तो ये बिट्स एरे ना कि प्रीफिक्स एरे, प्रीफिक्स एरे वो यहाँ बन जाता है जब उसमें हम लोग प्रीफिक्स को ऐड कर देते हैं। फिर ये होने के बाद हमने हर एक क्वेरी को ली, हर एक क्वेरी को लेने के बाद हमने क्या किया कि हाँ एल और आर लिया और उस पर फिर बाइनरी सर्च लगाया, जब हमने बाइनरी सर्च लगाया तो बाइनरी सर्च लगा के हमने जो इंडेक्स मिला उसको प्रिंट कर दिया। अब बाइनरी सर्च कैसे लगाया, वही लो निकाला एल से, हाई निकाला, लो मतलब एल से ही चालू करना है, एल से पीछे तो जा नहीं सकते, हाई एकदम लास्ट तक चले गए और चेक किया कि जहां जहां पॉसिबल है वहां पे आंसर स्टोर करो और राइट में जाओ वरना लेफ्ट में आओ, और आंसर अगर लास्ट में भी -1 रह गया तो आंसर भी रिटर्न कर दो, एल्स आंसर +1 रिटर्न कर दो, क्योंकि 1 बेस इंडेक्सिंग का आंसर चाहिए और कुछ नहीं। हम जो इस पॉसिबल फंक्शन है वो कैसे काम करते हैं, तो उसमें कुछ नहीं, वही हमारा जो नंबर है वो हमें आर नंबर चाहिए था, हमारा आंसर बन गया फिलहाल के लिए 0। हम क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स में चेक कर रहे हैं कि प्रीफिक्स में उस जगह पे कितने बिट सेट हैं, अगर नंबर ऑफ बिट सेट इज इक्वल टू द एलिमेंट्स रेंज ऑफ द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज, तो हम क्या कर रहे हैं आंसर में उस बिट को सेट कर दे रहे हैं, एल्स आंसर में कुछ भी नहीं कर रहे और लास्ट में हम यही चेक कर रहे हैं कि हमारा जो आंसर है क्या रिक्वायर्ड नंबर से बड़ा इक्वल हो गया है, अगर हो गया है तो हाँ पॉसिबल है, अगर नहीं हुआ है तो पॉसिबल नहीं है। सो या दिस वॉज द प्रॉब्लम, आई होप समझ में आया होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था इसमें बहुत जो डिफिकल्ट हो। सो या दिस वॉज द day 24 ऑफ द 30 days कोर्स सीरीज, फिर से मेरा वही सवाल है, वॉट डू यू वॉन्ट, डू यू वॉन्ट द सॉल्विंग सेशन या फिर ऐसे ब्रेक डाउन करके उनको प्रॉब्लम में लेना, विच वन इज बेटर,
You can comment out, and I will see you in the next one, which is the day 25. Problem link is in the description, so go and check it out, the problem ones. Bye bye.